भावें वह गदरी बाबे हो, भावें वह शहीद आजम भगत सिंह, भावें शहीद ऊधम सिंह, लाला लाजपत राय जी, भावें करतार सिंह सराबा जी, मदन लाल ढींगरा जी, तो होर यहोजे हज़ारा गुमनाम शहीद जिन्होंने जेलों कट्टिया तसीहे झले देश की आजादी वास्ते आजादी लैके दी। पर मैं अज तुहाडे नाल एक दुख की गल सांझी कर रहा हाँ कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की जिहड़ी परेड होनी है उहदे विच पंजाब की झाकी है नहीं, पंजाब की उहदे विच जिहड़ी हाजरी है झाकी के रूप च लगती सी वह कट दी गई है। इदों वध शर्मनाक गल नहीं हो सकती। बीजेपी सरकार इत्थों अपना मानसिकता जिहड़ी है वह दर्शा रही है कि वह पंजाबियों नाल कितना धोखा कर रहे हैं, इहदा मतलब शहीदां दा अपमान कर रहे हैं। लोग पूरी दुनिया देखना चाहती है कि पंजाब का रिच कल्चर, पंजाब का विरसा और पंजाब का आजादी योगदान, भावें तुसीं काले पानी जिहनूं कहिंदे अंडेमन निकोबर उत्थे चले जाओगे, जदों उत्थे काले पानी की सज़ा वालिआं दे नाम जिहड़े लिखे पए ने उहदे च भी 90% पंजाबी ने। सो इह पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों नाल इक धोखा है बीजेपी वल्लों, ते सख्त शब्दां दे विच इहदी असीं निखेधी करदे हां, क्योंकि जे झाकी किसे बदलनी है तां किसे होर स्टेट की तुसीं मतलब अपनी रोटेशन ले लो, पर पंजाब तां हमेशा ही आजादी दे किसी भी फंक्शन दे विच पंजाब नूं तुसीं मनफी नहीं कर सकते। सो इस बार पंजाब की झाकी नहीं आ रही 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस से परेड के मौके पर, यह बहुत दुखदायक गल है, पीड़ादायक गल है। और मैं बीजेपी के लीडर खास तौर पर जिहड़े इधरों गए ने, भावें वह कैप्टन साहब होण भावें वह बाकी लीडर होण, की वह ये गल उठाउणगे उत्थे कि पंजाब नूं क्यों मनफी कर दिता गया नैशनल लैवल की जिहड़ी परेड है उहदे विचों। शायद उहनां कोले इन्ने गट्स नहीं होणगे। सो आम आदमी पार्टी की सरकार वालों भी पार्टी वालों भी असी सख्त शब्दों के निखेधी करते हैं, तो बीजेपी सरकार नूं यह दसना चाहते हैं कि जो तुसीं पंजाबी नाल इदां करोगे तो पंजाबी ने तो पंजाबी जिहड़े ने वो सैल्फ डिपेंडेंट ने, तो अज भी आजादी की रक्षा वास्ते भी साढ़े जिहड़े योधे ने बार्डर के उत्ते तैनात ने, दुश्मन वालों पहली गोली आती है तो पंजाबी सीना होंदा कोई ना कोई उहदे सामने। सो असी जिहड़ा आजादी लैके भी दित्ती है तो आजादी संभालने भी योगदान है, पंजाब नूं इदां तुसीं मनफी नहीं कर सकते। ये तुसीं बहुत वड्डी गलती भी कर रहे हो तो पंजाबियों नाल धोखा भी कर रहे हो। मैं सख्त शब्दों के विच इहदी निखेधी करदा।